नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y72 5G वर्सेस Xiaomi Poco X3 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y72 5G में 6.46 इंच जबकि Poco X3 में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y72 5G में 2.96 इंच जबकि Poco X3 में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y72 5G में 0.33 इंच जबकि Poco X3 में 0.4 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Y72 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y72 5G में 185.5 ग्राम्स जबकि Poco X3 में 225 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Y72 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y72 5G में 6.58 इंचेस जबकि Poco X3 में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y72 5G में 1080x2408 और Poco X3 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y72 5G में 84.59% जबकि Poco X3 में 85.16% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y72 5G में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Poco X3 में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y72 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्रीमियर कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो मैसेरा देखने को मिलता है। और Poco X3 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y72 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Poco X3 की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y72 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Poco X3 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y72 5G में Adreno 619 जबकि Poco X3 में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y72 5G में Qualcomm Snapdragon 480 और Poco X3 में Qualcomm Snapdragon 732G मिलता है। बात करें RAM की तो Y72 5G में 8GB की RAM मिलती है जबकि Poco X3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y72 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Poco X3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y72 5G में अप टू 1TB जबकि Poco X3 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y72 5G में Android V11 जबकि Poco X3 में Android V10 क्यों देखने को मिलती है। बैटरी Y72 5G में 5000mAh जबकि Poco X3 में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y72 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹20,990 में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको X3 की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹14,999, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹16,995, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹18,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y72 5G में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Poco X3 की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पोको X3 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Asus ROG Phone 3 है जो कि ₹45,999 में मिलता है। दूसरा Vivo Y73 2021 है जो कि ₹20,990 में मिलता है। तीसरा Motorola H20 है जो कि ₹29,999 में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y53 S4G है जो कि ₹19,490 में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।